चिराग उपाध्याय ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे हैं चिराग, आज ही सीएम योगी से मिले थे रामवीर उपाध्याय। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे हैं चिराग, आज ही सीएम योगी से मिले थे रामवीर उपाध्याय। बड़ी खबर आपको बता दें, चिराग हो सकते हैं उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी, दक्षिण आगरा से हो सकते हैं भाजपा प्रत्याशी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दक्षिण आगरा से प्रत्याशी जो है वो हो सकते हैं जगन प्रसाद गर्ग के निधन के बाद जो है उनकी सीट पर उपचुनाव पर खड़े हो सकते हैं। चिराग उपाध्याय ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे हैं चिराग, तो वहीं आज ही सीएम से रामवीर उपाध्याय जो है वो मिले थे, उन्होंने मुलाकात की थी। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर जो है चिंतन और मंथन हुआ था। आपको बता दें कि दक्षिण आगरा से भाजपा प्रत्याशी हो सकते हैं चिराग उपाध्याय। जगन प्रसाद गर्ग के निधन से जो सीट है ये खाली हुई है और इस सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं चिराग उपाध्याय। बड़ी खबर आपको बता दें कि चिराग उपाध्याय जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले कई समय से जो है चिराग उपाध्याय जो है जनता के बीच सक्रिय हैं, लोगों के बीच वो जा रहे हैं, कई कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे हैं। तो वहीं अब ऑफिशियली वो राजनीतिक गलियों में घुस चुके हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है। चिराग उपाध्याय ने बीजेपी को अब ज्वाइन कर लिया है। तो आपको बता दें कि पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे हैं चिराग, साथ ही आज ही सीएम योगी से रामवीर उपाध्याय जो है उन्होंने मुलाकात की थी। मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो आपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो चिराग हैं वो उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। जगन प्रसाद गर्ग के निधन से जो आगरा की सीट खाली हुई है उस पर यह चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक और विस्तृत जानकारी के साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, चिराग पासवान जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो वहीं अब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इस बात की काफी चर्चाएं हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि ये अचानक इस वक्त रामवीर उपाध्याय जो कि बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं उनके ही बेटे हैं और अच्छा खासा प्रभाव है ब्रेथ क्षेत्र में। अचानक पार्टी ज्वाइन करने के पीछे सीधे सीधी बात ये जोड़ी जा रही है कि ये भाजपा में जो विधायक थे गर्ग, उनके निधन के बाद जो सीट खाली हुई है उस जगह पर ये चुनाव लड़ सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं पूरे ब्रेथ क्षेत्र में एक मैसेज गया हुआ है और भाजपा को कहीं ना कहीं मजबूती भी मिलेगी। जी आदित्य, वही आपसे जानना चाहेंगे चिराग उपाध्याय की लोकप्रियता के बारे में, आगरा में उनकी क्या लोकप्रियता है, क्योंकि बीजेपी अगर उन्होंने ज्वाइन की है और अगर कयास लगाए जा रही है कि उपचुनाव में वो भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं, तो ऐसे में उनकी लोकप्रियता तो काफी होगी क्षेत्र में। देखिए, हाँ बिल्कुल, चूंकि रामवीर उपाध्याय एक बड़ा नाम है और बसपा में हमेशा कैबिनेट मंत्री रहे हैं, मायावती के काफी खास रहे, तो क्षेत्र में जो लोगों का एक सहयोग करने का वो होता है, एक दायरा होता है वो काफी बड़ा है उनका। काफी लोगों का जो एक भला करने वाली बात होती है वो भी रामवीर उपाध्याय द्वारा कहीं बड़े पैमाने पर की गई है और कहीं ना कहीं ये बसपा के एक बड़े ब्राह्मण चेहरा के रूप में जाने जाते रहे। तो चिराग उपाध्याय ने लगातार वहां पर अपने पिता के एब्सेंस में कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़ने का काम जो ज्यादा काम किया हुआ वो चिराग ने किया हुआ है। तय बात है उसका कहीं ना कहीं फायदा सीधे तौर पर भाजपा को होगा, इसीलिए भाजपा ने ये बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी बाजी मारी हुई है अपेक्षाकृत अन्य पार्टियों के। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे संगठन के अंदर, जो भी लोग पहले से जुड़े हैं वो लोग कहीं उनके अंदर कोई नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि अचानक से चिराग जो है उनकी भाजपा के अंदर एंट्री होती है तो वहीं खबर ये भी आती है कि उनको भाजपा जो है सीधा चुनाव लड़ाएगी। बिल्कुल, तय बात है कि जो संगठन के लोग हैं कहीं ना कहीं नाराज होंगे, तमाम जो पिछले काफी वर्षों से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और एक उम्मीद लगाए हुए हैं उनको कहीं ना कहीं धक्का लगा हुआ है इस ज्वाइनिंग से, और भाजपा के साथ एडजस्ट होना चिराग का ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी, बहुत आसान काम नहीं होगा। और कहीं ना कहीं श्रीकांत शर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री के दौर में भी उनका नाम काफी तेजी से चला था, तो ब्रज क्षेत्र में अगर एक बड़ा ब्राह्मण नेता जाना जा रहा था वो श्रीकांत शर्मा जाने जा रहे थे, लेकिन अब चिराग उपाध्याय के आने से आदित्य कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन से जो लोग पहले जुड़े हों उनको कहीं ना कहीं बड़ा धक्का लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों के लिए।